forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are having a great, great, great day. Make sure to subscribe and be the part of this video family. Actually, आज है 5th of September 2020, सो हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू एंड हु इज अ टीचर, सो हैप्पी टीचर्स डे. और लाइफ में अगर मैं अपने टीचर्स की बात करूँ, सो मुझे अपनी जिंदगी में, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे दुनिया भर के बेस्ट टीचर मिले हैं इंटर कॉलेज तक. उसके बाद ग्रेजुएशन में तो मैं पूछूँ, मैं बोलना नहीं चाहता कुछ, ये धूप आ रही है ना. तो इंटरमीडिएट तक तो बहुत ही बेहतरीन मुझे टीचर्स मिले. लाइक मैं नाम लेना चाहूँगा अपने टीचर्स का. लाइक क्लास 8th में तो मेरे फेवरेट थे ब्रजेश सर और पावन विद्या मंदिर में. उसके बाद फिर जब मैं 9th में गया तो मेरे फेवरेट थे जाटव सर और हिंदी पढ़ाती थी कंचन मैम एंड बीएस सर, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे. उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो इंटरमीडिएट में मेरे फेवरेट थे मेरे क्लास टीचर मिस्टर प्रशांत अग्निहोत्री. ठीक है, तो अभी सुनो, इतना फैला बिजनेस है कि अभी मेरे को जाना है, 2 इंश्योरेंस करने हैं बाइक्स के, उसके बाद फिर नौबस्ता जाना है, थोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है तो वो भी मुझे करना है. सो लास्ट नाइट इधर पे जो आवारा वाले जानवर होते हैं, आवारा शब्द मैं अपने से भी काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ. सो आवारा वाले जो जानवर होते हैं वो आ जाते हैं, तो अभी लास्ट नाइट वो यहाँ से आए हैं. तो एक्चुअली इधर पे सारे उनके पैर बने हुए हैं ना, ये उधर पे दिख रहे हैं, तो इससे रिलेट कर लिया कि हाँ यहीं से है. और इधर मेरा मतलब लगभग नुकसान हो गया है हमारा, तो क्या कर सकते हैं यार, रात में आए थे, अपने आप को भी दोष नहीं दे सकते ना. अभी क्या किया भी क्या कर सकता है. अभी मैं 2 बार चारा डाल के आ रहा हूँ घर पे, पसीना पसीना हो रखा हूँ, टी शर्ट चिपक रही है एंड भी अच्छा आता है ना. एकदम हीरो बन गया, सो यार आई एम रेडी टू गो आउट एंड अभी 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए हैं. सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू हु हैज सब्सक्राइब माय चैनल. मतलब ये जो स्टेज होता है ना कि जब बंदा 0 सब्सक्राइबर से लेकर 1000 सब्सक्राइबर पहुंचता है, 0 से 100 सब्सक्राइबर पहुंचता है, तो इस टाइम पर जो लोग बिलीव करते हैं और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा, आपको मतलब एंटरटेन में कर पाऊंगा, जो लोग ये बिलीव करते हैं ना, वो लोग मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. और जिन्होंने ट्रस्ट करके सब्सक्राइब किया होता है चैनल, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी यूट्यूबर के लिए. जो उसका फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं या फिर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होते हैं. और उसके लिए मतलब समझ लो मैं एहसानमंद हूँ यार तुम लोगों का, दैट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल. सो जो 1000 लोग ने मेरे को सब्सक्राइब किया है ना, मैं दिल से आप सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ. और 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद रूम टूर करवा रहे थे, बट मेरा रूम इतना ज़्यादा मैसी है कि आई एम अनएबल टू डू सो. तो रूम टूर जरूर करवाऊंगा रूम टूर. बस अभी सोच रहा है कि थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग कर रही है, जो पीछे से अभी देखो वो आ रही है लाइट टाइप में, तो उस सभी को अभी ठीक करना है. अभी थोड़ा सा ये देख लो कुछ ऐसा, इतना ज्यादा मैसी मेरा रूम है. सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ना पेंट वेंट नहीं किया था, बिकॉज यहाँ पे मतलब कई सालों से पेंट नहीं हुआ है, 2-3 साल से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है यहाँ की छत टपकती थी, कच्ची छत थी पहले मिट्टी के ऊपर, तो वो छत से पानी टपकता था बारिश में. सो उस कंडीशन में हम लोग नहीं इसकी पेंटिंग कर सकते थे. सो लाइक आई हैव टू कम हियर टू कलेक्ट द इंश्योरेंस मनी, देन आई विल गो टू माई बैंक, आई विल डिपॉजिट देयर एंड देन आई विल अप्लाई फॉर ऑनलाइन इंश्योरेंस. दिस इज माई वर्क. बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइक मुझे चाहिए होगा स्विफ्ट कोड, जो कि
यूट्यूब इनकम जहाँ से आपकी स्विफ्ट कोड के जरिए। मेरे पास अभी ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि यूट्यूब का इनकम मेरे पास जनरेट हो चुका है, बट जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, मतलब पंकी ब्रांच इलाहाबाद की, उस ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं है। तो मैनेजर सर बोल रहे हैं कि जहाँ पर फोरेक्स का काम होता है वहाँ का स्विफ्ट कोड होता है, तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ यार। बोले यहाँ का IFSC कोड होता है सिर्फ, तो और स्विफ्ट कोड नहीं होता है। सो अब तो यार ये लेथन हो जाएगी, मेरे को कहीं और भी अकाउंट खुलाना पड़ेगा। तो अगर किसी को पता है कि स्विफ्ट कोड इधर कानपुर में कौन कौन सी बैंक्स का है तो प्लीज़ मेरे को बता देना, या फिर कानपुर के मैं किसी यूट्यूबर से बात करूँगा तो वो बताएगा। तो अभी चलो यार, ये तो बड़ी लेथन हो गई, मतलब अब बड़ी लेथन हो गई है। सो आई एम अनेबल टू रिजॉल्व दोस थिंग्स। बुद्धि नहीं अब काम कर रही मेरी, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही। सो सी यू समवेयर देयर। हटा ये रहा छोटी, देखो ये इंश्योरेंस कॉपी है रतन भैया का, ठीक है, रतन मंडल। तो दो पेजेस हैं इसमें, सॉरी दो नहीं, ये दो इंश्योरेंस है, ठीक, और ये दोनों उनकी RC दे देना, ठीक। सर्विस रोड है, मतलब हाईवे में नौबस्ता से इस साइड पे जाने पे, नौबस्ता से मतलब ये हमीरपुर रोड है एक्चुअली। सो अभी मैं इधर पे, मतलब बहुत सालों बाद इधर पे आया हूँ, सालों यार आया हूँ, बट इतने नाइट में मैं इधर सालों बाद इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये सिटी, बिकॉज जिस टाइम पे मैं NDA की कोचिंग करता था इधर किदवई नगर में, लॉ मिलिट्री अकेडमी में NDA की SSB, तो SSB की क्लास इतनी देर तक लगती थी शाम को, तो सुबह के 7 बजे के गए, शाम को 7 या 8 बजे ही हम लोग वापस आते थे। इसको रैली कार बना डाला है इसने। नहीं तो रेट ढाई हो जाता सरकारी लड़के का। सो आई हैव रीच्ड नौबस्ता एवेन्यू। जहाँ के लिए निकले थे हम तो वहाँ पहुँच गए। तो अभी मैं हूँ मौसी के कॉलोनी में, मतलब पावर स्टेशन है, मतलब बिजली विभाग का। तो ये दीदी सब स्टेशन है ना? सब स्टेशन है, 220 kW का सब स्टेशन। तो उधर पर TV चल रही थी, मैंने उधर रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज कॉपीराइट आ सकता है, चैनल भी ग्रो करा नहीं, और कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर बड़ा मेल्ट हो जाएगा सब। तो मेन प्रॉब्लम जो भी मैं यहाँ पे फील करता हूँ, देख लो ये मेरी मौसी है, और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो मुझे फील होती है वो ये है कि मैं अपने कपड़े हैंगर में जो टांगने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मौसा जी ने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको लगाया हुआ है। ये क्या है, क्यों बेटू क्या है ये? कॉकरोच मारने की दवा। सो अभी रिफ्रेश होते हैं थोड़ा बहुत रिफ्रेश होते हैं, देन वी स्टार्ट अ व्लॉग समथिंग। पूरा सारा डाटा उनका उसी में। ब्लॉगिंग पास होता है तुम्हारे पास? नहीं, उसमें तुम खुद
अभी बताते हैं जो अगर आपको टू स्टार वेरिफिकेशन डाल दिया था नहीं तो पढ़ा हुआ टू स्टार वेरिफिकेशन ब्लॉगर पढ़ा हुआ गोड आईडी वाले में हम लोग उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं अमेंडमेंट मॉडिफाई करने आ रहे हैं उसको थोड़ा सा, मतलब वेबसाइट हमारी बनी है तैयार है बट उसमें कुछ होस्टिंग होती है, मतलब जो इमेजेस चेंज करनी होती है वो हम लोग दूसरी जगह से होस्ट करनी पड़ती है, उस वेबसाइट पे इमेज डालनी होती है, वहाँ से HTML कोड उठा के वेबसाइट पे डालना होता है, सो इतना सारा काम है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने किया हुआ था इन 2017 व्हेन आई मेड माय ओन ब्लॉगर दैट इज़ kushprashant70.blogspot.in। तो उस टाइम पे मेरे चैनल का नीज था एजुकेशन मोटिव पे, तो सिर्फ लिटिल मैन ब्लॉग डालता था, ब्लॉग्स जो लोग पढ़ते थे आके। अभी देखता हूँ, अभी मैं काम करूँगा कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कर तो लूँगा ही, थोड़ा टाइम ही लगेगा। और दिस द लैपटॉप ऑफ लेनोवो। एक्चुअली आई डोंट यूज वेस्ट, आई डोंट पुट ऑन वेस्ट ऑलवेज, सो बिकॉज आई हैड सिक्स पैक्स, लाइक आई हैड सम एब्स इन लास्ट फ्यू मंथ्स, मतलब लगभग स्टार्टिंग 2020 में मेरी अच्छी खासी बॉडी थी एंड अच्छी खासी मेरे एब्स थे, तो मैं ये वेस्ट नहीं पहनता था, मैं डायरेक्ट टी शर्ट पहना था, तो उससे एब्स ना अच्छे लगते थे और चेस्ट का कट्स भी दिख रहे थे, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं वेस्ट नहीं पहना था। अभी मैंने आज वेस्ट परचेज की क्योंकि मुझे ऐसी ज़रूरत फील हुई, तो वेस्ट लेके अभी अजीब लग रहा है, काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे, तो अभी काम करते हैं फिर मिलते हैं बाद में, काम ख़त्म होता है। तो राइट नाउ इट्स अभी 8:59 मतलब 9 बजे हुआ है, तो देखते काम कितनी देर चलेगा। सो दिस इज 11 PM एंड वी हैव डन आवर डिनर राइट नाउ, यू कैन सी आउटसाइड द कॉलोनी हाउ इट लुक्स, इधर पता है इधर पे कूलिंग बहुत अच्छी आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है AC लगी हुई पीछे, यहाँ से बहुत मस्त हवा आ रही है। हीटर सेपरेटर कलर, मतलब जो हीटर के आसपास जो रेड कलर का आइकन भी बन के आ रहा है वो लगा सकते हैं। वेबसाइट बिल्ड हो रही है अभी भी, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंज करी है एंड सो अभी मैंने बना ली है ये दोनों वेबसाइट्स कंप्लीट है, प्रखर जन कल्याण फाउंडेशन की एक तो, और जो दूसरी वेबसाइट है वो है प्रखर मैक्स टॉर्क सर्विसेज इन्फोटेक, इसमें हम बाद में बताएंगे फिर क्या काम कर रहे हैं, सारा कुछ बाद में बताएंगे। और इधर पे मेरा फोटो है, ऑल दोस आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ साइट बन के तैयार हुआ है। टाइम हो रहा है अभी 2:13, 2:14 सुबह का, सो और क्या क्या है, बस ये दोनों वेबसाइट्स हमारी कंप्लीट हैं बिल्कुल, और अभी रन कर रही हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो ऑफ टुडे, आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और आगे भी मेरी पर्सनल लाइफ देखने के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को, मुझे भी नींद बहुत तेज से लगी है। So bye bye, see you in my next video.